नमस्ते, आज मैं उषा नार किचन से पाव भाजी की भाजी मतलब सब्जी बनाना बता रही हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, आप इसको फॉलो कीजिए। पाव भाजी की भाजी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स: 9 मीडियम साइज गाजर बारीक कटी हुई, 2 बाउल बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, 5 मीडियम साइज टमाटर एकदम बारीक कटे हुए, 5 मीडियम साइज आलू वो भी एकदम बारीक काटना है, 1 बाउल हरी मटर, 1 बाउल बीन्स बारीक कटी हुई, 1 बाउल शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 बाउल बारीक कटा हुआ प्याज, आधा कटोरी बारीक कटा हुआ धनिया, 10 हरी मिर्ची एकदम बारीक कटी हुई, या आपके इच्छानुसार कम ज्यादा कर सकते हो, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची, 3 पिंच हींग, 3 पिंच हल्दी, आधा टेबलस्पून जीरा, 1 नींबू, 1 टेबलस्पून बेसन, तो बेसन है, 8 टेबलस्पून तेल ऑयल है, और 2 टेबलस्पून बटर। स्टेप 1, हमको ये सब सब्जियों को अभी कुकर में डाल के उबालना है। बीन्स, मटर, गाजर, पत्ता गोभी और आलू, इसको सब डाल के अपने कुकर में सिंझाना है। अभी हम गैस का स्टोव लगाएंगे। इसमें ये वाला मैंने 6 कटोरी पानी डाला हुआ है। जो सब्जी मैंने जो बताई थी सब मैंने इस कुकर में डाल दिया है, और इसको 4 सीटी आना है। ढक्कन डाल के 4 सीटी आने के बाद, ठंडा होने के बाद ही कुकर को खोलना है। अभी मैं सेकंड स्टेप करने जा रही हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपने सब पूरा जो सब्जी थे सब अपने कुकर में डाल दिया है, अभी सेकंड स्टेप है। तो इसमें ऑयल, अपना तेल गर्म हो गया है, इसमें जीरा थोड़ा ब्राउन होना है, हींग, ये इसको थोड़ा धीमा करना है, वो हरी मिर्ची। मैं हर वीडियो में बताती हूँ क्या हरी मिर्ची तड़का में ही डालिए, इससे क्या है मिर्ची मुंह में आती तो भी तीखी नहीं लगती है, और पूरा इंग्रेडिएंट इसके साथ बहुत अच्छा ये हो जाता है, मिक्स हो जाता है। मिर्ची थोड़ा सा कितना है, ये सीख गया है मिर्ची। अभी इसमें प्याज डालते हैं, क्या है प्याज का भी ज्यादा नहीं सीजाना है, अभी तो हमारे वो उन्हें इसके अंदर डालना है, तो अभी प्याज डालते ही आप टमाटर डालना है। टमाटर को आप और बारीक या पिस्ते भी डाल सकते हैं, मतलब या मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी इसको छोटा पीस करके ही डालती हूँ, क्योंकि कलरफुल दिखता है सब्जी। तो क्या है मैं कभी भी पाव भाजी मसाला ये सब यूज नहीं करती हूँ, जो मेरा चमक मसाला है उसी में बहुत टेस्टी बनता है। हमारे घर में मेरे हाथ का ये पाव भाजी सबको पसंद है बहुत। अभी टमाटर थोड़ा सींझना है अच्छे से, आपको चाहिए तो इसमें 6 कली लहसुन आप कूट के इस वगार में डाल सकते हैं, मैंने लहसुन नहीं डालती हूँ। देखिए टमाटर सींझने लग गए हैं, शिमला मिर्च कभी भी थोड़ा पीछे से ही डालना पड़ता है, नहीं तो इसका कलर थोड़ा येलो कलर हो जाता है। इसको चलाने भी रहना है क्योंकि नीचे चिपकने का डर रहता है। अब हमारे दूसरे इंग्रेडिएंट डालेंगे, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची और नमक। गैस थोड़ा कम करके अच्छे से मिलाइए इसको। अभी इसमें जो बटर मैंने लिया था ना वो इसमें डालते हैं, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। कितने जने को
ऑयल के बदले बटर में ही बनाते हैं, लेकिन मैं बाद में डालती हूँ बटर, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है। ये चार सीटी आके अभी देखिए कुकर ठंडा हो गया है, इसको ढक्कन खोल के देखना है। हाँ, अच्छे से सींच गया है। देखिए सब्जी अभी नीचे उतार दिया है मैंने, ये थोड़ा बड़ा बड़ा है ना, इसको अच्छे से इसे स्मैश करना है। तो ये थोड़ा पानी भी है ना, ऐसा पूरा खींच लेगा। देखिए ये अच्छे से इसे स्मैश हो गया, थोड़ा थोड़ा ऐसे पीस भी रहता है तो वो बहुत अच्छा रहता है। आपको ऐसे स्मैश करना है। देखिए अभी ये पूरा सब्जी जो हमने ग्रेवी बनाया था ना, जो तड़का, उसमें मिलाना है। गैस लगाइए, जो आपने ग्रेवी बनाया ना उसको गैस के स्टोव के ऊपर रखिए। ये थर्ड स्टेप है, जो हमने कुकर में सब्जी पूरी इसको बॉइल की थी ना, वो इसमें आपको डालना है और अच्छे से मिक्स करना है। इसको ऐसे चलाते ही रहना है, नहीं तो ये नीचे जलने का डर रहता है। देखिए ऐसे सारी सब्जी मिल गई है, इसको ऐसे अच्छे से गरम करना है। देखिए इसमें कितनी बार क्या होता है, कुकर में ज्यादा पानी है या कुछ है या थोड़ा गिल्ला ज्यादा है, तो इसमें आप ज्यादा बेसन डाल सकते हैं। लेकिन मैं कैसा भी हो तो भी थोड़ा एक आधा स्पून बेसन ऐसे उसको पानी में मिला के इसको ग्रेवी बना के इसमें डालती हूँ। पाव भाजी की पाव भाजी बन गई है, अभी हम इस पाव को सेकना है और उस भाजी के साथ खाना है। ये कैसे बनाते हैं मैं बताती हूँ। गैस स्टोव को ऑन कीजिए, उसके ऊपर ऐसा तवा, डोसा का तवा रखिए, तो इसमें क्या होता है जलने का, पाव जलने का डर नहीं रहता है। अभी मैंने बटर डाला है, अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप घी भी डाल सकते हैं और इसको ऐसे उल्टा रखना है। थोड़ा सा गैस हाई कर दीजिए और थोड़ा बटर इसके ऊपर ऐसे स्प्रेड कीजिए, ये गर्म होने से पूरा इस बन के ऊपर लग जाएगा। गैस को थोड़ा कम कर दीजिए और इसको जैसे पलट दीजिए, जैसे देखिए, और इसको ऐसे फोल्ड करके थोड़ा ऐसे पूरा जो अपना बटर है ना तवे पे पूरा इधर लग जाएगा। अभी वापस इस बाजू सेक दीजिए, देखिए एकदम रेडी हो गया अपना पाव। देखिए पाव भाजी का भाजी रेडी है और अपना पाव भी रेडी है। अब ये अपने को ये प्लेट कैसे सजाना है वो मैं आपको बताती हूँ। ऐसे प्याज डाल लिया और ऊपर से ये कोतमरी ऐसे डाल लिया, और अपने को चाहिए और खट्टा, इसमें तो टमाटर डाला हुआ है लेकिन और खट्टा आपको चाहिए तो आप नींबू इसके अंदर एक दो तीन बूंद डाल सकते हो। भी आपको इसमें प्लेट ऐसे सजाने का भी कोई जरूरत नहीं है, कोई प्याज ज्यादा खाता है, कोई नहीं खाता है, कोई धनिया कम खाता है, नींबू नहीं खाता है, अपने को क्या है खाली प्लेन सब्जी और ये ऐसे बाउल में पूरा आप जाके खाने वाले को दे सकते हो, वो उनकी इच्छा है अनुसार खा लेंगे। फ्रेंड्स पाव भाजी रेडी है, आप इसको अच्छे से खाइए और इस भाजी से आप ब्रेड का सैंडविच भी बना सकते हैं। आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो लाइक और फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली रेसिपीज का पता चले। धन्यवाद।